नमस्कार, मैं हूँ अनुरंजनी गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस टीवी चैनल। जैसा कि आप यहाँ की हसीन वादियों को देखकर ये समझ ही रहे होंगे कि हम लाहौल की हसीन वादियों में, हम लाहौल के सीसू में अभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन किया गया है और सुबह 6 बजे से -डिग्री में टेम्परेचर यहाँ पर था, उस समय 6 बजे से सुबह यहाँ पर स्नो मैराथन शुरू की गई है। तो मैराथन को आपको बता दें कि 1 किलोमीटर से शुरू होकर 42 किलोमीटर तक की मैराथन जो है वो यहाँ पर करवाई गई थी। बहुत से लोग जो है अभी यहाँ पर वापस पहुँच चुके हैं और हम आपसे आपको कुछ लोगों से मिलवाते हैं और जानते हैं कि उनका आज का एक्सपीरियंस कैसा है। ये जो स्नो मैराथन हम लाहौल स्पीति में पहली बार ही ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जब ऑर्गेनाइज करने लगे तो पता चला कि इस तरह का इवेंट प्रदेश की क्या बात करें हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है। तो हमें थोड़ा भय भी था कि किस तरह लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इंटरनेशनली तो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमने देखा कि पूरे हिंदुस्तान भर से 100 के करीब प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया। ऐसे ऐसी जगहों से लोग आए जो जहाँ पे कभी भी बर्फ़ नहीं पड़ती हो, तो और उसमें देखते हुए मुझे बड़ा सुखद एहसास हुआ कि जो हमारे मेन इवेंट है उसमें मेन कैटेगरी में जो शाश्वत विनर है वो बेसिकली कर्नाटक के रहने वाले हैं। इसी तरह महाराष्ट्र से भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिमाचल से लड़कियों ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है। लोगों की उत्सुकता से देखते हुए मुझे लगता है कि ये हमारा एक सफल आयोजन रहा, सफल शुरुआत। मैराथन लाहौल 2022 के ऑर्गेनाइजर होने के नाते हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि ये इवेंट एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा। इसमें तकरीबन 102 प्रतियोगियों ने भाग लिया और इस दौड़ के दौरान किसी को भी कोई तकलीफ या चोट नहीं पहुंची। हालांकि हमने उनके इवैक्यूएशन के लिए फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से टाइप कर रखा था, उनके स्पेशलिस्ट यहाँ पे थे, उनके 2 ICU एम्बुलेंस भी आ रखे थे और हमने एयर इवैक्यूएशन के लिए एयर हिमालयास के साथ भी टाइप किया हुआ था। लेकिन ये इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी और सभी प्रतियोगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से दौड़े और खुश रहे कि उन्होंने ये कंपटीशन में पार्ट लिया। और हम चाहेंगे कि अगले साल ये इवेंट हम दोबारा ऑर्गेनाइज करें और उम्मीद ये रहेगी कि इस इवेंट के सक्सेस के बाद अगले साल कम से कम 250 से 300 उम्मीदवारों की गुंजाइश रखते हैं और देश के लेवल पे नहीं अगले साल हम विश्व के स्तर पर इस इवेंट को ले जाएंगे। धन्यवाद करना चाहूँगा जनरल साहब जो प्रचार में है इंकरेजिंग मी शुरुआत से फॉलो करो, हमेशा बोले हम साथ में दौड़ते हैं एंड यू नो हमारा अच्छा क्लब बना है। ये जो रनिंग कल्चर है हिमाचल में एटलीस्ट मैराथन प्रचार में सब इनकी बदौलत हुआ है। तो बिग थैंक्स टू नरेश कर्नल साहब, ऑफकोर्स हमारे सिंह साहब भी साथी फिजिकल ट्रेनर फॉर देम। Yes, बड़े मोटिवेट करते हैं, हेल्प किया है। सो आई वुड लाइक टू थैंक देम, विदाउट देम हम तो खाते भी नहीं थे। थैंक यू सर। हमारे रनर्स क्लब जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है, जो रनर्स क्लब यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है, इस रनर्स क्लब में लगभग 25 से 26 मेंबर्स हैं और 25 से 26 मेंबर्स होने का निश्चित रूप से आधे लड़कियाँ, लगभग आधे लड़के हैं। तो 3 साल पुराना ये हमारा सोलंग रनर्स क्लब है और इस रनिंग क्लब में के मेंबर्स जो आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राहुल जो शाश्वत 42 किलोमीटर में फर्स्ट ये आए हैं और इसके बाद 4 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है 42 किलोमीटर में, 4 मेल्स और 1 फीमेल। फीमेल कैटेगरी में ये तेंजिंग डोलमा वो फर्स्ट आई है, मेल कैटेगरी में शाश्वत राव फर्स्ट आया हमारे क्लब में। मैंने भी खुद पार्टिसिपेट किया है 21K में भी हमारे जो क्लब के वुमेन कैटेगरी में दीक्षा ठाकुर जो पंचायत से हैं वो फर्स्ट आई हैं। थर्ड कैटेगरी जो 10 कैटेगरी है, 10 कैटेगरी में 6 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है हमारे क्लब से, जिसमें मेरा बेटा भी है छोटा, और जो सेकंड उसमें आया है वो हमारे क्लब का मेंबर है। और इस तरह से सारी कैटेगरी में, मतलब तीनों कैटेगरी में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी पोजीशन आई है वो हमारे क्लब के रनर्स की वजह से आई है। तो हम लोग सोलंग में प्रैक्टिस करते हैं और बेसिकली अल्ट्रा रनिंग की प्रैक्टिस करते हैं। शाश्वत राव जो अल्ट्रा रनिंग 100K का चैंपियन है, लास्ट पिछले 3 सालों से लगातार मैं देखता है और यही चैंपियनशिप में यही फर्स्ट आ रहे हैं।
तो ये हमारे लिए एक अनुभव था, एक नया सा एक्सपीरियंस था कि स्नो में कैसे रनिंग की जाए, कैसे दौड़ा जाए। पहले तो स्नो में तो चलना मुश्किल होता है, आप सबको मालूम ही है, आप समझ सकते हैं कि अगर स्नो में किसी को दौड़ने को बोला जाए तो बहुत मुश्किल है। उसके लिए भी एक अनुभव बहुत अलग तरीके का होगा। तो आज हमारे पूरे रनिंग रनर्स ग्रुप ने, क्लब ने ये एक अनुभव लिया है और धीरे धीरे आने वाले टाइम में जैसे जैसे स्नो मैराथन के सक्सेसिव एडिशन आते जाएंगे और वैसे वैसे हम दक्षता बढ़ती जाएगी इसमें। संजय सिंह हूँ पुणे से और इस टीम के साथ फिजिकल फिटनेस के लिए जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक बताना चाहता हूँ, इस रेस में हमारी टीम में जो रनर साहब बता रहे थे 25 लोगों का रनर ग्रुप है, जी जी, 12 साल से लेकर 52 साल तक के लोग हैं इसमें। ऐसा नहीं कि एकदम प्रोफेशनली लोग ट्रेन करते हैं, बच्चे भी हैं, मिडिल एज भी हैं और हम जैसे 50 वाले भी, हम भी दौड़े हैं सर। लड़कियाँ भी हैं, लड़कियों में भी 16 साल की लड़की है जो विनर हुई है और उसमें 35-40 साल की भी लड़की है। तो ये ग्रुप है जो 12 से 52 तक सब दौड़ते हैं इसमें, ठीक है। बहुत गर्व महसूस होता है। अगर आपने कभी अंजनी महादेव ट्रैक किया है तो ये साहब वहाँ पर रह रहे हैं, एक एक योगी के जैसे तपस्या करते हैं, कि कोई नॉर्मल रेस नहीं करते हैं, योगी के जैसा एक झोपड़े में रह करके 6-6 महीने साल भर रह करके प्रैक्टिस करते हैं, तब ये जीत पा रहे हैं रेसेस सारे। तो इस तरह की कमिटमेंट है इनकी।